अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाबो मीनिया है और मैं लोअर सुबनसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और अपनी क्या जीता उसको भी बता दीजिए। फिलहाल तो मैं ये सेकेंड नोटिस ओलंपिक जो मेघालय में हेल्ड हुआ उसमें अंडर 49 सीनियर कैटेगरी फीमेल में गोल्ड मेडल मिला। आपका जर्नी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरा जर्नी तो मैं ताइक्वांडो आम प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट और मैं ताइक्वांडो शुरू किया 2014 आम 2014 में संगलादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में ताइक्वांडो खेलना शुरू किया। मेरा कोच सूरज अली सर वो हमको सिखाया है ताइक्वांडो और क्या नाम और 2014 से आज 2022 तक मैंने नेशनल में बहुत अचीव किया। पर ये मेरा पहला नोटिस सेकेंड नोटिस ओलंपिक पहला नोटिस ओलंपिक में सिल्वर माला था। फर्स्ट फाइनल बाउट में मणिपुर से मैं आउट हो गया था। ये सेकेंड नोटिस ओलंपिक में मैं फाइनल फिर मणिपुर को ही मिला फिर मैं उसे बीट कर दिया ये बार। और मेरा जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। और अब चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस बहुत फेस करना पड़ता है। स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई को भी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ते। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। पढ़ाई को पीछे नहीं कर सकते इसलिए पढ़ाई को भी ले जा जाके सुबह तीन टाइम तो टू टाइम प्रैक्टिस होता है वन मॉर्निंग एंड शाम को एक बार फिर दिन को कॉलेज जाता है। फिर ऐसे करके आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा जो दो बहन जो है नाव मेन्या और जिमा जो बहन हमारा जो गोल्ड मेडल लेके आया जो मेडल लेके आया उसके लिए ऑनर में हम लोगों ने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो रखा हुआ है जो मेरा घर में रखा है इसमें इनकरेजमेंट एक देने के लिए नाबुम यूथ एसोसिएशन का तरफ से सोसाइटी में जब भी कोई एक अच्छा काम होता है उसको हम लोग एक इनकरेजमेंट देना दरकार होता है। तो उसके लिए क्योंकि अगर इनकरेजमेंट अगर हम नहीं देगा तो हमारा जो भाई बहन आने वाला पीढ़ी वाला भी बर्बाद हो सकता है फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। एक रिकॉग्नाइजेशन दरकार होता है और रिकॉग्नाइजेशन में मतलब ये नहीं है कि हम उसको अरबों खरबों का पैसा दें। उसको हम रिकॉग्नाइजेशन जो करता है हम प्यार देता है जो हमारा एक जो समाज का हमारे एक सोसाइटी का जो एक अंडरस्टैंडिंग को साथ में ले जाने के लिए। बहुत सारा खिलाड़ी है जिसको हम लोग भी पता नहीं है और उन लोग भी हम लोग को पता नहीं है। ये जो एक प्रोग्राम है इसका थ्रो से हम लोग एक दूसरा को कनेक्ट भी होता है। कल अगर कोई हमारा और भी कोई बहन भाई अगर इस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नॉट ओनली स्पोर्ट्स एनी काइंड ऑफ जो अचीवमेंट होगा उसमें हम लोगों का मॉरल ड्यूटी है मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम लोग उसको इनकरेज करना है उनको फेलिशिएट करना है। जब भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा उस समय में उन लोगों को फाइनेंशियली जब हेल्प हो दरकार होगा तो उस समय भी हम लोग हेल्प करने के लिए रहते हैं। लेकिन जितना दरकार हो उतना नहीं सकने से भी कुछ हद तक उसका वर्धन को हम लोग ट्राई करते हैं। ये उस तरह का एक प्रोग्राम है। आज जैसे मेरा बहन मेडल लेके आया ये मेडल जो है इंडिविजुअली उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है इनका फ्यूचर कैरियर बना सकता है उस मेडल से। उससे वो नौकरी मिलेगा उनसे वो आगे और स्पोर्ट्स में आगे जाएगा। ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग भी इंकरेज करने के लिए कभी अगर और फ्यूचर में कहीं अगर दरकार होगा हम लोगों का तो हम लोग उस समय उनको साथ देने के लिए। बहन पहले बहुत बार मेडल लेके आया है बहुत बार मेडल लाया और वो मेडल लाने को और आज भी जो मेडल लाया है ये हम लोगों के लिए गर्व का बात है हमारे नाबुम के लिए। तो इसीलिए आज का शाम जो प्रोग्राम रखा है एक्चुअली हम लोग इनको पहले प्रोग्राम को रखना था लेकिन हम लोग का सोसाइटी का प्रोग्राम जो है आगे पीछे होता रहता है। जिस दिन इन लोगों ने मेडल लेके आया फिर हमारा अपना यहाँ में नाबुम इंटर स्टेट बस टर्मिनल जहाँ में प्रोग्राम हम लोगों ने स्टेचू अनेबल किया उसका प्रोग्राम का वजह से हम लोग बिजी हुआ। बिजी होने के बाद फिर अपना अपना काम में लग जाता है। लगने के बाद आज हम लोग को टाइम मिला ये टाइम को लेके हम लोग अपना बहन को जो भाई है जिसने कोचिंग किया अपने एक दूसरे बहन के लिए उनको एक ऑनर देने के लिए ये प्रोग्राम जो रखा हुआ है। और ये प्रोग्राम हम लोग जब भी कोई हमारा सोसाइटी से कोई भी यूथ स्टूडेंट या हमारा सोसाइटी का कोई भी इल्डर अगर अच्छा काम करेगा तो हम लोग उसको हमेशा फेलिसिट करने के लिए रेडी रहेगा। अगर हमारा सोसाइटी में कोई अगर ख़राब भी काम करेगा तो उसको भी हम लोग अगेंस्ट करने के लिए रहते हैं। सोसाइटी ये नहीं है कि हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी ये है इनकरेज करने के लिए गलत काम करने वाले इनकरेज में उसको डिस्करेज करेगा।
तो इसीलिए हम लोग आज इनक्रेज करने के लिए ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रखा है। तो इसमें इतना और कुछ बोलने के लिए नहीं है, बहन को हम विश करता है और आगे जाए और सही ढंग से स्पोर्ट्समैनशिप को अप्लाई करे, अपना अपना जगह में जिस जगह में खेलता है उसको सही ढंग से एक अच्छा रास्ता ले जाने के लिए हम विश करता है। थैंक यू।